हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जाएंगे आयरन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आयरन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवेज में, चाहे वो NTPC ALP JEE या फिर ग्रुप डी आपका कोई भी हो, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग टॉपिक्स वाइज पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यूथ पब्लिकेशन, जनरल साइंस का। तो टॉपिक वाइज पढ़ने से आपका ये फायदा होता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे वहाँ छूटता नहीं है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पता लग जाता है कि इससे क्या बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है 1014, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इन टू थिन सीट्स। मीन्स ये बताना है कि इनमें से कौन, किसको हम लोग थिन सीट में हम लोग कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपका क्या है, मेटल्स का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आपको मेटल्स क्या दिख रहा है, आयरन दिख रहा है, बाकी सब आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये आपका क्या है, नॉन मेटल है। तो सिंपली हम लोग यहां पर टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डैमेज टू ब्रिज, आयरन रस्ट एंड ऑल द आइटम मेड अप ऑफ मेटल्स। तो यहां पर बताना है कि कौन सा ये प्रॉपर्टीज जो कि डैमेज करता है आपका ब्रिजेज को, जो भी ब्रिज बने रहते हैं आयरन से, मेटल से, आयरन रस्ट और ऑल द आइटम मेटल से, जितने भी आइटम बने रहते हैं उनको कौन आपका डैमेज करता है। तो हम लोग को पता है कोरोजन डैमेज करता है। कोरोजन क्या है, कोई भी मेटल के ऊपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका क्या, आयरन का रस्टिंग, ये भी एक कोरोजन का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है रेडिश ब्राउन का लेयर आपका बन जाता है। तो चलिए इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। अब यहां पर आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील में आपका कौन सा आपका मेटल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले स्टेनलेस स्टील का आपका जानना होगा कि उसमें क्या क्या मौजूद रहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में आपका रहता है कार्बन, ठीक है, उसके बाद आपका रहता है निकल। तो निकल यहां पर दिया गया है, यहां पर पूछा है कौन सा प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद क्रोमिनियम रहता है, और आपका ऑप्शन बी आपका टंगस्टेन आता है, बाकी आपका ये और ये प्रेजेंट रहता है, आयरन, क्रोमिनियम, निकल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज स्टेनलेस स्टील इज स्टेनलेस। तो हम लोग सुनते हैं यार स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील मतलब क्या होता है। स्टेनलेस स्टील आपका, स्टेनलेस का आपका मीनिंग होता है कोरोजन रेजिस्टेंस। वो प्रॉपर्टी उसमें रहता है कि वो कोरोजन को रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, मीन्स कोरोजन होने से बचाता है। जैसे कि आप लोग जो बर्तन में खाना खाते हैं वो आपका क्या है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, उसमें कभी भी रस्ट नहीं लगता है, चाहे हम जितना भी उसको वॉश करते रहे। चलिए, तो यहाँ पर आपका पूछा गया है व्हाई इज स्टेनलेस स्टील इज स्टेनलेस, तो ये किसके कारण होता है। तो ये क्रोमेनियम, क्रोमेनियम आपका प्रेजेंट रहता है, ये इसके कारण आपका स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज मैं दूसरे रूम से वीडियो बना रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा आपको साउंड में डिफरेंस आप अगर डिटेक्ट कर सक रहे हैं, तो अगर आप लोग रेगुलर है तो चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हेन आयरन इज प्लेस्ड इन ए मॉइस्ट एयर रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ हाइड्रेटेड आयरन, यानी ऑक्साइड आपका Fe2O3 जो कि जमा हो जाता है उसके सरफेस में, दिस रेडिश ब्राउन लेयर इज कॉल्ड। तो हम लोगों को पता है कि आयरन अगर मॉइस्ट में कांटेक्ट में आता है एयर और वाटर वेपर के कांटेक्ट में, तो उसको क्या हो जाता है, एक लेयर बन जाता है, मीन्स वो कोरोज होना शुरू कर देता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो रेडिश ब्राउन लेयर को रस्ट बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल रिएक्ट विद स्टीम ऑफ डैश टू फॉर्म ऑक्साइड। तो यहां पर पूछा गया कि मेटल रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा आयरन, और आपको ध्यान रखना आयरन प्लस स्टीम मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल सिंबॉल विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन। तो हम लोग को यहाँ पर बताना है कि किसका केमिकल सिंबल, जो कि हर एलिमेंट का अलग अलग रहता है, तो यहाँ पर बताना है कि किसका केमिकल सिंबल यहाँ पर लैटिन वर्ड से लिया गया। तो ये आपका लिया गया है आयरन का, जो कि हम लोग Fe बोलते हैं,
और इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो फुल फॉर्म आपका इसका क्या हो जाएगा, फेरम, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता है। और एक बात ध्यान रखिए कि आयरन का फोर फॉर्म होता है, एक मैग्नेटाइट, एक हेमेटाइट, लिमनोटाइट और स्टेडेराइट, ठीक है? ये बात ध्यान रखने का चीज़ है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका, व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब। तो सिंपल है, यहाँ पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम लोग हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो क्या बनता है प्रोडक्ट में, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, एक आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है, उसके बाद वाटर बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो ये आपका किसमें है, एक तो आपका वाटर बन रहा है, तो वाटर तो इसमें दिख रहा है आपको, और इसमें भी दिख रहा है ऑप्शन ए में, ठीक है? लेकिन फेरिक ऑक्साइड आपको तीनों में, चारों में आपको दिख रहा है, तो फेरिक ऑक्साइड तो है ही। और उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या है, सिर्फ आपका ए बी में है और डी में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपका ग्रुप डी में पूछा गया है और आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप रिएक्शन को देख सकते हैं, ये रिएक्शन आपका है, इसी को आप रिएक्शन को इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है, नोट आप लोग बना लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन को आपको ऑप्शन देख के आंसर नहीं आएगा दिमाग में, उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए, उस क्वेश्चन को मिस आप लोग डाउट कॉपी में जरूर लिखिए। तो ये आपका क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि ये एक आपका रिएक्ट होने के बाद ये और ये और ये इसमें टूट जाता है, इसीलिए उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। जब भी कोई रिएक्शन सिंगल कंपाउंड ब्रेक इंटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंस, तो ये सिंगल है और टूट के कितना बन गया, तीन चार गो बन गया, तो ये आपका डिकम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, केमिकल फॉर्मूला, ब्रैकेट में आपका रोमन में थ्री लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका रस्ट के टाइम पे बनता है, ठीक है? मेजर ऑक्साइड है आयरन का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी, Fe2O3, Fe2O3 मीन्स आयरन आपका थ्री, तो आयरन का थ्री इसमें आ गया ऑक्सीजन में, तो O3 हो गया, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन दो में आपका बी और सी में दिख रहा है, लेकिन Fe आपका टू रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन का -2, ठीक है? ये केमिस्ट्री जो पढ़े हुए हैं उसको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज, तो यहाँ पर आपको पूछा गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो फेरस सल्फेट यानी FeSO4, इतना सबको पता रहता है FeSO4, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें रहेंगे, कितना क्रिस्टल ऑफ वाटर आपका रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें वाटर कितना रहेगा, 7 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, 7 आपका है इसमें, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जब हम लोग ऐड करेंगे आयरन फिलिंग के साथ, आयरन का जो भी टुकड़ा रहता है, जो भी आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहता है, उसके साथ हम लोग यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये पूछा गया है। तो आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस, एक तो आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड आपका बन जाएगा, जैसे कि हम लोग रिएक्शन में देख सकते हैं, Fe+HCl, ये आपका पूछा गया है, इसमें हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, पहला आपका FeCl2 बन जाएगा, आयरन आयरन क्लोराइड प्लस आपका H2 बन जाएगा, और H2 आपका क्या रहेगा, गैस रहेगा, ये आपका गैस, ठीक है? तो ये आपका रिएक्शन हो गया जो कि आपको याद रखना है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरस सरफेस क्रिस्टल, ठीक है? मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आया था लेकिन थोड़ा घुमा के आया था, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फेरस सरफेस क्रिस्टल, इसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, तो हम लोग अभी देखें फेरस सरफेस क्रिस्टल, आपको फिर से लिख देता हूँ, फेरस FeSO4 ये हो गया फेरस सरफेस,
और इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितना रहता है, H2HO, ये वाटर 7 रहता है, तो 7 रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बुक में आपका आंसर दिया गया है, उसमें आपका क्या लिखा गया कि फेरस सबसे क्रिस्टल जो है फेरस सल्फेट, वो आपका क्या कलर का रहता है, ग्रीन कलर का रहता है रूम टेम्परेचर में, ये आपको याद रखना है, ग्रीन कलर इसमें रहेगा, ठीक है। 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहता है, ये आपको पता चल गया, ग्रीन आपका कलर उसका रहता है, ये भी आपको पता चल गया, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म व्हेन आयरन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सिंपल यहाँ पर आपको क्या पता करना है, आयरन और ऑक्सीजन का रिएक्शन सिंपल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, तो Fe2 ये आपका आयरन हो गया और ऑक्सीजन का रिएक्शन O2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड आपका बन गया, ठीक है, ये आपका बैलेंस नहीं है। बैलेंस हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर आपका 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 6 बनाएंगे, तो इसमें 2 ऐड करेंगे यहाँ, तो ये 6 हो गया ऑक्सीजन, अब इधर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी 3, ये हो गया बैलेंस। अब यहाँ पर आयरन को देखेंगे, आयरन यहाँ पर क्या 4 है, यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया इस क्वेश्चन का। कुछ को ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बोरिंग अभी लग रहा है इसको पढ़ लेने के बाद, एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो उस समय जब आपसे बनेगा तब आपको समझ में आएगा कि ये बोरिंग क्यों लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोरोजन ऑफ डैश इज ए सीरियस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कोरोजन सीरियस प्रॉब्लम, तो ये आयरन का कोरोजन है वो सीरियस प्रॉब्लम है। हम लोग आयरन का जो भी लेते हैं सामान, चाहे वो कहीं से भी हो, कोई भी पर्पस के लिए हो, हम लोग को टेंशन रहता है कि इसको पहले रस्टिंग से बचाना है, क्योंकि अगर रस्ट लग गया तो वो फिर बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है, उसमें मजबूती जो रहता है सारा हट जाता है, तो इसीलिए हम लोग उसको पेंट करते हैं, पेंट कर देते हैं या फिर कुछ और कुछ लेयर चढ़ा देते हैं जिससे रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द कलर ऑफ आयरन रस्ट इज, तो ये आपको जरूर पता रहना चाहिए, कलर ऑफ आयरन रस्ट, जो भी आयरन का जो जंग लग जाता है, जो उसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं जंग का कलर क्या होता है, ये आपका हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, वो क्या है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन आपका है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूल फॉर्मूला ऑफ फेरस क्लोराइड। तो फेरस क्लोराइड आपको ध्यान रखना है, फेरस क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो FeCl2, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, FeCl2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद करना ही होगा आपको, ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो फेरस क्लोराइड बोलने से ही आपको फॉर्मूला आपका दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं।